स्वागत है आप सभी का सुरमई रंगोली में। स्वीकार कीजिए जी श्याम और राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। हम लेकर आते हैं रंगोली हफ्ते में एक बार, और ये रंगीला मन गाए है बार बार। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किस जल से ये जलन। हाँ।
जल से ये जलन वाह रे वाह 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 रे वाह। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने कुछ नहीं किया, मैं गोपाल दास सक्सेना जी के लिए ये बात कह रहा हूँ, जिन्होंने चुन चुन कर मोती की तरह शब्दों से इस गीत को सजाया है। ये नाम तो कभी नहीं सुना। कौन सा नाम? गोपाल दास सक्सेना ये प्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज जी का पूरा नाम है। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या लिखा है नीरज ने। प्रेम पुजारी का केवल यही गीत हिट नहीं हुआ, बल्कि इसके और भी गाने बहुत लोकप्रिय हुए। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, यारों नीलाम करो सुस्ती, ताकत वतन की हमसे है, फूलों के रंग से, दिल की कलम से। क्या लिखने वाले हैं हम लोग लिखने नहीं, हम गाना सुनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें तो पता ही नहीं था। अब तो पता हो गया ना राजश्री जी। हाँ, तो लीजिए पेश है परिंदा फिल्म का ये गीत। मिल के अरमान में
मेरी 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 तेरी एक जान है। आज सात रंगों की बात हुई, सत सुरों की बात हुई, तो श्याम जी मैं भी बता दूं कि परिंदा को सात अवार्ड मिले हैं। परिंदा को भला क्यों मिलने लगा अवार्ड? मैं फिल्म परिंदा की बात कर रही हूँ। दो राष्ट्रीय पुरस्कार और पांच फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म को मिले। नाना पाटेकर को सह अभिनेता और उनके अभिनय के लिए जो है विशेष रूप से सराहा गया, और रेणु सलूजा को इस फिल्म के संपादन के लिए भी अवार्ड मिला। जी हाँ, इन दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साथ में विदु विनोद चोपड़ा, जैकी श्रॉफ और इस फिल्म की पटकथा के लिए शिव कुमार सुब्रमण्यम को। ये तो हो गई अवार्ड्स की बात, लेकिन हमने गीत तो सुनाया ही नहीं। वो यही कहता है कि जब दो दिल मिलते हैं तो बस उन्हें लगता है कि उनके सारे अरमान पूरे हो गए हैं, इसलिए कभी भी साथ ना छोड़ने का वायदा करते हैं। फिर ये दुनिया प्यार करने वालों को भला बुरा क्यों कहती है? तो ये दुनिया की परवाह भी कहाँ करते हैं। ये बात तो आपने ठीक कही है। हाँ, कोई इनके प्यार के बीच में आ जाए तो फिर उसे दुश्मन ही समझते हैं। कैसे? खुद ही सुन लीजिए। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली, कितनी शर्मीली, दुल्हन है हमारी, ये जो चिलमन है। सनम
लगा, हाँ भड़कने लगा, दम अटकने लगा। ये गीत मोहम्मद रफी की दिलकश आवाज में था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीतकार थे आनंद बख्शी। श्याम जी, मुझे ये लाइनें बहुत अच्छी लगी। दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, हाँ क्यों रहे, मतलब दूसरा यहाँ कोई क्यों रहे, मतलब मैं निकल जाऊँ यहाँ से, है ना? अरे नहीं श्याम जी। नहीं नहीं, आप ये सोच रही हैं कि ये रंगोली आपकी हो गई है। तो आप ही बता दो क्या सोचते हैं रंगोली के बारे में। देखिए, विविध भारती के सुधीर श्रोताओं से और उनकी प्यारी प्यारी जो बातें हैं उससे और उनकी मोहब्बत से जो है मिलकर रंगोली को हम बनाते हैं, सुरमई रंगोली। ये हुई ना बात। बस यही मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही थी श्याम जी। अब तो खुश हो गई ना, आप आगे क्या बताइए। नागार्जुन सागर बांध पर चलते हैं, चलेंगे? हाँ, हाँ क्यों नहीं चलेंगे, पर वहाँ क्यों चलेंगे भाई। प्रकृति के इतने करीब पहुँचना और नए भारत के निर्माण में मदद कर रहे सैकड़ों लोगों के जीवन को देखना तरोताजा कर देने वाला अनुभव था। फिलोसोफर? नहीं नहीं, ये लाइनें बेहद खूबसूरत हीरोइन मधुबाला जी की हैं। इंसान जाग उठा इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद उन्होंने कही थी। शूटिंग के समय फिल्म यूनिट के सभी सदस्य वहीं गेस्ट रूम में काफी दिन तक रहे थे। ये उस समय की बात है जब नागार्जुन सागर बांध बन रहा था और ये तब आंध्र प्रदेश में था और आज ये तेलंगाना प्रांत में कृष्णा नदी पर है। और इसी फिल्म का मधुबाला और सुनील दत्त पर फिल्माया ये गीत सुनते हैं। देखो न देखो लोग अजूबा ये 20वीं सदी का, देखो न देखो लोग अजूबा ये 20वीं सदी का, आसमान के चांद को छूने निकला चांद जमी कर लोग, ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन, प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का, ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन, प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का। तूने ऐसा घूंघट डाला, गोरे गोरे मुख पर तूने ऐसा घूंघट डाला, आंखों वाले तरस गए देखूं मैं किस्मत वाला, आहे वाह, ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन, प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का, ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन, प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का। रूप नगर से प्रेम नगर तक रोज करे एक फेरा, नगर से प्रेम। जापान का ना ये अमेरिकन, प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का। शैलेंद्र का गीत और सचिन देव बर्मन का संगीत, ऐसा पारंपरिक ग्रुप डांस, वाह वाह, मन मस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा। और क्या अच्छा लगा,
गांव की लड़कियां लड़के गांव का परिवेश ये झूम झूम कर नाचना गाना इस तरह के चुलबुले मस्ती भरे गीत सचमुच में अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा ही एक और गीत सुन ले। जरूर। गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना, गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। जाने जा चुरा के चली कहाँ नशे में भरी भरी की बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल हो तेरा क्या कहना। क्या हुजूर से मेरे पास आइए भला इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आइए। गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। कम से कम कोई फूल बन के हम तेरी जुल्फ झूमते बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल हो तेरा क्या कहना। बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल हो तेरा क्या कहना। अरे ओ गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। सर
का क्या कहना, कैसा लगा ये गीत? बहुत मजेदार सुपर हिट गीत है ये तो। किससे इससे भी ज्यादा हिट है? सचमुच? हाँ तो बताइए ना। इस गाने में शमी कपूर के साथ हीरोइन है अमिता। कहते हैं फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक ने इन्हें प्रमोट करने के लिए ही ये फिल्म बनाई थी। क्या बात कर रही हैं? हाँ, इस फिल्म की शूटिंग के समय अमिता जी का मेकअप, लाइटिंग, कपड़े, गहने, सब चीजों का खास ध्यान रखा गया। यहाँ तक कि फिल्म के प्रमोशन में भी केंद्र में हीरोइन ही थी। क्या बात कर रहे हैं आप, और बताइए। और इनका नाम कमर सुल्ताना था। कमर सुल्ताना? स्क्रीन का नाम अमिता? ये कैसे? भारत भूषण के साथ जब श्री चैतन्य महाप्रभु फिल्म इन्होंने की, तब विजय भट्ट जो इस फिल्म के निर्देशक थे, उन्होंने अमिता ये नाम इनको दिया। और मालूम है ये मधुबाला के जबरदस्त फैन हैं। ओ, अमिता जी ने तुमसा नहीं देखा और गूंज उठी शहनाई जैसी सुपर हिट फिल्में दी हैं। श्याम जी, इन फिल्मों से इन्हें खुद बहुत लाभ नहीं मिला, लेकिन तुमसा नहीं देखा जिसका गाना अभी हमने सुना, उस फिल्म से शम्मी कपूर स्टार बन गए, और वहीं गूंज उठी शहनाई से राजेंद्र कुमार। हाँ बात तो है, लेकिन ये समय समय की बात है। फिलहाल समय है गाना सुनाने का। मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। करो, मैं यूं ही मस्त नगमे
लुटाता रहूं। सफर जिंदगानी का कटता नहीं, जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम अगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। सुंदर वादियां हो, खूबसूरत नजारे हो और साथी भी मन पसंद हो, तो सारे सपने जैसे पूरे होते हुए नजर आते हैं। और हाँ, और कुछ बोलिए ना। क्या कोई खुशफहमी मत पालिए आप, मैं ये आपके लिए नहीं इस गीत के लिए कह रही थी। ठीक है, मैं तो बस यूं ही बात कर रहा था। ये गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने, संगीत रवि का और इसे गाया महेंद्र कपूर ने। और अब जो गीत हम पेश करने जा रहे हैं उसे किशोर कुमार ने गाया है। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
चलिए प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां भर की, तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। दो दिल मिलते हैं, आंखों आंखों में इशारा होता है, फिर तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। मौसम बदलता है, सारे नजारे बदल जाते हैं। आनंद बख्शी का गीत, संगीत राजेश रोशन का, बहुत ही रोमानी, दिल को छू लेने वाला गीत, धुन भी बहुत मीठी। फिल्म का नाम याराना। ये तो आप सब जानते ही हैं कि इस फिल्म में अमजद खान ने अमिताभ बच्चन के दोस्त की भूमिका निभाई। किशन बिशन की बेमिसाल दोस्ती की कहानी है याराना। याराना उन चुनी हुई फिल्मों में से एक है जिसमें अमजद खान ने सकारात्मक भूमिका निभाई। एक खास बात है, इस फिल्म में 6 गाने हैं। तो इसमें कौन सी खास बात है? सब के सब पुरुष स्वर में है, फीमेल सॉन्ग एक भी नहीं। ओ, स्त्री स्वर में कोई गीत नहीं, इसलिए आप उदास हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि आपको खुश कर देते हैं। और राशि जी, रेखा पर फिल्माया हुआ ये गीत जो है आपकी पेशे खिदमत करते हैं। अरे भाई, आप सबके लिए भी है ये।
सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। हो गया आपको क्या हो गया, कुछ उलझन है क्या? मैंने तुझको दिल दे दिया ये सब कहते हैं, मैंने तुझको दिल दे दिया ये सब कहते हैं, और मैं कहता हूं तूने मेरा दिल ले लिया। अब बात दोनों एक ही तो हुई ना, मोहब्बत का यही मजा है श्याम जी। अच्छा हाँ, ऐसे ही शिकवे शिकायत तू मैमे के बीच साथ साथ हंसना रोना नाचना गाना चलता रहता है। एक दूसरे का साथ हो तो जैसे लगता है मंजिल मिल गई। हाँ राशि जी, लेकिन जब बिछड़ते हैं तब क्या करते हैं? दिन रात एक दूसरे की तलाश करते हैं।
रणधीर कपूर और जया भादुड़ी पर फिल्माया ये गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म जवानी दीवानी। अद्भुत, गजब। क्या गीत, फिल्म या हीरो हीरोइन? अरे इस फिल्म के गाने और जया भादुड़ी। हाँ, एक से बढ़कर एक गीत है इस फिल्म में। सामने ये कौन आया, एक ये गाना था, फिर नहीं नहीं अभी नहीं, उसके बाद ये जवानी है दीवानी। और ये भी तो था कि अगर साज छेड़ा तो तराने बनेंगे। कहने का मतलब एक से बढ़कर एक गीत। श्याम जी, आप कुछ जया जी के बारे में बता रहे थे। हाँ, गुड्डी फिल्म से जया जी स्टार बन गई और एक प्यारी सी जो अभिनेत्री हमारे आसपास वाली लड़की वाली इमेज लेकर हमारे सामने आई, पर्दे पर आई, और उसकी इमेज जो है हमारी अपनी हमें लगने लगी। हाँ वो तो है। हाँ वो तो है। अपनी इसी छवि को बदलने के लिए उन्होंने ग्लैमरस रोल किए। अनामिका में भी थोड़ा हटके यानी कि नेगेटिव रोल था। अनामिका तू भी तरसे, मेरी भीगी भीगी सी। अनामिका फिल्म का गीत सुनाने वाले हैं क्या? नहीं, अभी तक सब आनंद आनंद और आनंद था, और अब तो बस रोशन रोशन रोशन। मतलब लगातार तीन गाने आनंद बख्शी के थे और अब रोशन रोशन इस नाम का तो कोई गीतकार नहीं है। फिल्म के निर्माता राकेश रोशन, ठीक है, संगीतकार राजेश रोशन, और हीरो अपने ऋतिक रोशन। हो गया ना रोशन रोशन रोशन। बता भी दीजिए कि किस फिल्म का गीत सुनवाने जा रहे हैं हम। जिसमें ऋतिक की एक्टिंग का जादू देखने लायक था। जादू भाई जादू। वो जादू वाली फिल्म कोई मिल गया? जी हाँ, कोई मिल गया। जादू, एलियन का नाम इस फिल्म में जादू था, बहुत लोकप्रिय हुआ। हमारे देश की पहली फिल्म जिसमें एलियन दिखाया गया। फिलहाल हम गाना सुना देते हैं।
ऐसा लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया, हाँ कौन मिल गया, कोई मिल गया। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, कहो ना कहो ना कह दो ना, फिर से मिलने का वादा करो ना, फिलहाल तो नमस्कार करो ना। इजाजत दीजिए, स्वीकार कीजिए जी श्याम और राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार।